महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और साथ में ही इलेक्शन कमीशन को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। उद्धव ठाकरे जिनकी मुश्किलें पिछले काफ़ी टाइम से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उनको इस बात का डर सता रहा है कि शिवसेना जिस पर अभी तक उनका हक है, जिसका वो अभी तक अध्यक्ष हैं, वो कभी भी उनसे छीन सकती है और वो जाकर और खास करके एकनाथ शिंदे की तरफ उसको एकनाथ शिंदे को इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इस पर जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी फैसला लिया जाना बाकी है अभी। लेकिन अब इन्हीं सब चीजों के बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर 1 से 2 दिन के अंदर डिसीजन लेने वाली है और अपना फाइनल डिसीजन सुनाने वाली है कि आखिरकार असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है। और इसमें मैक्सिमम चांसेस जो बताया जा रहा है कि वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ में ये फैसला होगा। इसी बात को देखते हुए शायद उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा गुस्सा है और उन्होंने अब एक बड़ा कदम उठाया है। उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भेजा है, उनके ऑफिस में एक लेटर भेजा है और इस लेटर में उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द ही आने वाला है, 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर इस बात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे गुट के जो 15 विधायक हैं जिनको पूरी तरह से उनके पद से हटाने की बात की गई थी, उनकी योग्यता को निरस्त करने की बात की गई थी, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आने दिया जाए, उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस पर अपना फाइनल डिसीजन सुनाया जाना चाहिए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के उससे पहले जो उद्धव ठाकरे हैं उनके द्वारा डिमांड की गई है कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी हालत में इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए और अगर इस तरह का डिसीजन लिया जाता है तो वो पूरी तरह से अनफेयर रहेगा। सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है और उनके द्वारा बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई भी डिसीजन अभी ना लिया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी क्या इलेक्शन कमीशन उद्धव ठाकरे के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले ही अपना डिसीजन ले लिया जाता है। आपका क्या ओपिनियन है, किसको लगता आपको क्या लगता है कि किसकी तरफ जो है शिवसेना को असली जो हकदार के रूप में उद्धव ठाकरे को आप देखते हैं या एकनाथ शिंदे को, या इलेक्शन कमीशन किसको देगी इस हक को? आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।